पावर पिवट हम पढ़ रहे हैं, पावर पिवट की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में जानिए। अब मेरे पास तीन सेट है, एक सेट में हमारा सेल्स का डेटा है, छोटा सा डेटा ताकि इफेक्ट समझ में आए इसलिए मैंने लिया है इसको, ये हमारे पास सेल्स का डेटा है। दूसरे सीट में हमारे पास प्रोडक्ट है और तीसरे सीट में हमारे पास कस्टमर है। अब यहाँ पे देखिए सेल्स वाले में प्रोडक्ट का सिर्फ आईडी डला हुआ है और कस्टमर की भी सिर्फ आईडी डली हुई है, और यहाँ क्वांटिटी है, इसकी एमआरपी जो है वो प्रोडक्ट वाले कॉलम में है। तो मान लीजिए मुझे ये डेटा चाहिए कि किस सिटी में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें एमआरपी चाहिए होगा और सिटी भी आना होगा। तो अगर आप पावर पिवट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको यहीं पे वी लुकअप लगा के डेटा को लुकअप करना होगा, यहाँ से लुकअप कर लेते हैं एमआरपी बाकी चीज़। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे वी लुकअप बार बार अपडेट करना पड़ेगा, डेटा डायनेमिक नहीं होगा, रिपोर्ट डायनेमिक नहीं होगा। तो यहाँ हम सब कुछ डायनेमिक करना चाहते हैं अपने आप, तो हम पावर पिवट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पावर पिवट में हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो रिलेशनशिप में का रूल ये होता है कि दो सीट्स के बीच में हम रिलेशन लगाते हैं, बट एक में हमारे पास डेटा रिपीटेड हो चलेगा लेकिन दूसरे में आपके पास यूनिक होना चाहिए, दोनों सीट में से किसी भी एक में एक यूनिक आईडी होना चाहिए, तभी दोनों में आपका रिलेशनशिप लगता है। तो इसको हम डायरेक्ट पावर पिवट से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी पता करना है जस्ट, या से हाँ प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी पता करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और जब पिवट टेबल आप इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पिवट टेबल, और इसमें आपको यहाँ एक छोटा सा काम करना है, ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, देन उसके बाद फिर हम वापस प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल। अब यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, तो दो पिवट हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या है कि मुझे इसमें से इन दोनों शीट को रिलेट करना है, तो जैसे दो पिवट क्रिएट करेंगे उसमें आप डेटा मॉडल ऐड करेंगे तो ये आपका रिलेशनशिप वाला जो डिसेबल था वो अनेबल हो जाएगा। इसमें क्लिक कीजिए, मुझे बताना है कि इन कॉमन क्या है, सेल्स और प्रोडक्ट में कॉमन क्या है। तो मैंने बताया कि इस अब ये रेंज और रेंज वन लेके चलता है, तो रेंज मतलब कि सेल्स, सेल्स की जो यहाँ पे पीआईडी है वो हमारा रेंज वन की, और यहाँ ऑटोमेटिक पीआईडी ले लिया, पीआईडी है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, देन ओके, और यहाँ पे उसको क्लोज, और भी करना है तो ड्यू क्रैक कर सकते हैं, क्लोज कर दिया। अब यहाँ देखेंगे कि एक्टिव और यहाँ पे ऑल, ऑल में आपको रेंज एंड रेंज वन दोनों आ गया। तो रेंज वन से मुझे उठाना है नेम और रेंज टू से उठाना है हमें क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी रिपोर्ट दो शीट से बन के आ गई। बट मुझे एमआरपी की कैलकुलेशन करनी है और भी मेरे पास 8-10 ऐसे शीट्स हैं, तो प्रॉब्लम होती है कि 8-10 से ऊपर शीट है तो हर बार पिवट जनरेट करेंगे तो उतने शीट आपके पास हो जाएंगे। सो हम जो है पिवट टेबल नहीं, हम पावर पिवट टेबल के जरिए करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। तो उसके लिए हमें पावर पिवट का मेनू बार चाहिए। अब पावर पिवट का मेनू बार डिफॉल्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको जाना होगा फाइल मेनू बार के ऑप्शन में, और ऑप्शन में आने के बाद यहाँ आप देखेंगे कस्टमाइज रिबन में, नहीं आपको कस्टमाइज रिबन देखिए यहाँ पावर पिवट है, अगर यहाँ पावर पिवट नहीं दिख रहा है तो आपको जाना होगा एडिंस में, और इसको आपको यहाँ से कॉम एडिंस सेलेक्ट करना होगा एंड गो, और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर यहाँ पे पावर पिवट फॉर द एक्सेल को यहाँ पे क्लिक करके एंड ओके कर देना होगा। जैसे ओके करेंगे आपके पास पावर पिवट का मेनू बार आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपने आपको यहाँ मैनेज दिख रहा होगा, इस मैनेज को क्लिक करना है। मैनेज क्लिक करने के बाद एक्सेल जैसा ही एक विंडोज आपको ओपन हो जाएगा,
सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, एक्सेल जैसा ही विंडोज खुल के आपको यहाँ आ जाएगा। जो मैंने ऐड कर रखा है जैसे पहले से दिख रहा है, वरना ये ब्लैंक दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि डेटा मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेटा मॉडल में ऐड करना। तो बिना पिवट लगाए आप डायरेक्ट डेटा मॉडल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माई डेटा हैज ए हेडर्स को जरूर चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे टेबल वन आ गया, आप इसको नेम को चेंज कर सकते हैं कि भाई ये सेल्स हो अपने सुविधा के लिए सेल्स। फिर वापस एक्सेल शीट पे जाते हैं, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट इसको सेलेक्ट करके पावर पिवट में ऐड डेटा मॉडल एंड ओके। इसका नाम हम दे देते हैं पीआर, या प्रोडक्ट जो भी नाम देना चाहे दे दिया हमने। उसके बाद हम कस्टमर में आते हैं और कस्टमर के डेटा को सिलेक्ट करते हैं और हम सेम पावर पिवट ऐसा करने से तीनों शीट का डेटा यहाँ बैकएंड में आता है, मतलब कि कॉपी करके से पिवट टेबल के बैकएंड में डाल दिया। अब मेरे पास तीन डेटा, अब तीनों के बीच में रिलेशन नहीं है, जैसे रिलेशन मतलब कि तीनों में कौन सा कॉमन है ये पहले आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ आपको डेटा व्यू दिख रहा है, इसी के बगल में डायग्राम व्यू दिखेगा। अब इस डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे एम एस एक्सेस में होता है ना, उस तरह से आपको यहाँ दिखेगा। तो मेन टेबल हमारा कौन सा है, ए है, तो हमने उठाया इसकी पीआईडी पे जाके हमने ड्रॉप कर दिया, इन दोनों में रिलेशन क्रिएट हो गया, सीआईडी को उठाया और सीआईडी में ड्रॉप कर दिया। अब ये जो सेल्स टेबल है, इन दोनों टेबल से हमारा लिंक हो गया, रिलेट हो गया। वापस डेटा व्यू में हम आते हैं और चलते हैं अपना सेल्स में। हमें यहाँ एमआरपी चाहिए, तो यहाँ हम एमआरपी का एक कॉलम बना के एंटर प्लेस करते हैं, एमआरपी का कॉलम आ गया। जैसे नॉर्मल एक्सेल में वी लुकअप होता है ना, ऐसे यहाँ पे रिलेटेड होता है। रिलेटेड मतलब कि किसी भी सीट से आप डेटा लेके आ सकते हो। तो रिलेटेड में हमने क्या किया, हमने लिया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीआर का एमआरपी। हमने एमआरपी लिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर। अब मुझे यहाँ पर रेवेन्यू चाहिए, अमाउंट हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी बड़ी आसान है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी प्रेस किया, आपके सामने कैलकुलेशन हो के आ गया। इसमें मुझे मान लीजिए कि जीएसटी निकालनी है, जीएसटी, तो मैं यहाँ पे आसानी से जीएसटी निकाल लूंगा। हमने बोला अमाउंट का 18% हमारे पास, ओके, ये परसेंटेज का सैंपल नहीं लेता है, तो हमें यहाँ पे 0.18 करना होगा। मेरा फाइनल हो गया, अब मुझे पिवट टेबल चाहिए। तो यहाँ ऊपर पिवट टेबल का सैंपल दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए तो एक नई सीट में आपको पिवट टेबल आ जाएगा। ये देखिए तीनों शीट यहाँ दिख रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई कस्टमर का हमने यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नेम ले लिया और सेल्स का हमने रेवेन्यू ले लिया। पिवट टेबल तैयार है। आप इसके बाद इसमें एनालाइज में आके स्लाइसर में आइए, तीनों टेबल का स्लाइसर यूज कर सकते हैं आप। तो हमने बोला कि भाई सिटी भी स्लाइसर में आना चाहिए, तो हमने सिटी को ले लिया स्लाइसर के लिए। अब यहाँ पे हम जयपुर सेलेक्ट करेंगे तो पूरा तीनों टेबल का डेटा जयपुर के अकॉर्डिंग हो अरेंज हो गया और पिवट टेबल में आपको दिखेगा। तो प्रशांत जी, कोई डाउट है, समझ में आया आपको पावर पिवट क्या होता है? हाँ, मेरे को तो आ गया समझ में, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ जो है ना, हाँ, जो तो कुछ कुछ एक आपने जो काम यूज किया। करता हूँ आप।